स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 की बुक इंग्लिश बुक हनीकॉम का सेकंड चैप्टर अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। इसकी स्टोरी हम आज पढ़ेंगे। मृदु इज अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास नाउ कॉल्ड चेन्नई विद तापी हर ग्रैंड मदर एंड थट्टा हर ग्रैंड फादर। मृदु एक यंग लड़की है, कम एज की लड़की है, जो अपनी मद्रास में रहती है अपनी दादी और दादाजी के साथ में। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुक्कुमनीज हाउस टू मीट हर कजन्स लल्ली रवि एंड मीना। एक आफ्टरनून में तापी जो उसकी दादी हैं उसे रुक्कुमनी के घर में ले जाते हैं। रुक्कुमनी मृदु की आंट हैं, ताकि वो अपने कजन्स से मिल सके। मृदु कौन कजन्स के नाम हैं लल्ली रवि और मीना। अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। अ स्माइलिंग रुक्कुमनी थ्री ओपन द डोर। मुस्कुराते हुए रुक्कुमनी ने गेट ओपन किया। रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। रवि और मीना जो कज़िन हैं मृदु के, वो बाहर आ गए और उन्होंने रवि ने मृदु को घर के अंदर बुलाया। वेट लेट मी टेक ऑफ माय स्लीपर्स प्रोटेस्टेड मृदु। मृदु ने विरोध किया कि वेट करो, मैं अपने चप्पलें उतार लूं। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। उसने सफाई से अपनी चप्पलें उतार कर एक बड़े से ब्लैक कलर के स्लीपर्स रखे थे उनके पड़ोस में रख दिया। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। जो ब्लैक कलर के जो स्लीपर्स बड़े से रखे थे वो ग्रे हो गए थे डस्ट की वजह से। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। उन स्लीपर्स के आगे वाले हिस्से पे आप हर एक पैरों की उंगलियों के निशान देख सकते थे। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्राउनी। जो मार्क्स थे बड़े टोस स्किल के, मैंने कि पैरों की उंगलियों के जो अंगूठा होता है उसके जो मार्क्स थे वो बहुत बड़े थे और स्क्राउनी थे, मींस थोड़े थिन थे, पतले थे। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश। मृदु को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला ये सोचने का कि वो किसके स्लीपर्स हैं, क्योंकि रवि ने उसे बहुत जल्दी बैकयार्ड में, जो घर के पीछे का जो हिस्सा होता है आंगन टाइप पीछे का, उसमें उसे वो ले गया। और कहाँ ले गया, एक बड़ी सी बिटर बेरी की बुश थी, झाड़ी थी, उसके पीछे ले गया। दे आर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल lined with sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. वहाँ पर उस झाड़ी के पीछे एक बड़ी सी फुटबॉल में, जो कि फुटबॉल कैसी थी, जो ख़राब हो चुकी फुटबॉल थी, जो फट चुकी थी आधी, उसमें उसने वो फुटबॉल के अंदर उसने भरी थी मिट्टी, और उस मिट्टी के ऊपर फुटबॉल के अंदर मिट्टी भर के उसके ऊपर एक किटन लेटा था। किटन क्या होता है, बिल्ली का बच्चा, और बिल्ली का बच्चा मिल्क पी रहा था एक कोकोनट के आधे शेल से, जो कोकोनट का छिलका होता है। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग पुअर थिंग सैड रवि। रवि बताता है उसे कि हमें ये बिल्ली का बच्चा आज सुबह मिला है गेट के बाहर और ये बस म्याऊ म्याऊ कर रहा था। It's a secret. अम्मा says पाती will leave for our पद्दू मामाज house if she knows we have a cat. वो बताता है कि अम्मा बता रही थी, अगर पाती को, पाती वहाँ पर दादी को कहते हैं, अगर उसे पता लग गया कि वहाँ पर एक बिल्ली का बच्चा है तो फिर वो उन्हें छोड़कर पद्दू मामा है उनके घर पे चली जाएंगी। People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream. Oh, don't bring that dirty creature here, said Ravi. Ravi कहता है, लोग हमेशा हमसे कहते हैं कि हमें जानवरों के लिए दयालु होना चाहिए, पर हम जब होते हैं तो वो हम पे चिल्लाते हैं और चिल्लाते हैं कि उस गंदे क्रीचर को यहाँ मत लाओ। Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? Ravi आगे कहता है, तुम्हें पता है कितना मुश्किल है थोड़ा सा दूध इस किटन के लिए वहाँ से लाना किचन से। पाती saw me with a glass in my hand just now. पाती ने अभी मुझे एक ग्लास ऑफ मिल्क के साथ में देख लिया।
आई हो टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक. वो कहता है कि पाती चाह रही थी कि ने पापी ने पूछा, उन्होंने जब देख लिया कि मिल्क ऑफ ग्लास ऑफ मिल्क के साथ में, तो उसे बताना पड़ा कि मैं बहुत भूखा हूँ और मुझे ये पीना है. पर उन्होंने बड़े अजीब तरीके से उसे देखा, तो उसे ज़्यादातर दूध पीना पड़ा. और जब उसने पी लिया ज़्यादातर दूध, तो वो चाह रही थी टम्बलर यानी कि जो ग्लास है जिसमें मिल्क लिया है वो वापस कर दे वो पाती के लिए. तो रवि ने आगे कंटिन्यू किया, पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल आई टोल्ड हर. रवि ने उनसे बहाना बनाया कि मैं इसे खुद धो दूंगा, आपको मैं परेशान नहीं करना चाहता. और यहाँ आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इन टू द कोकोनट शेल एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस. तो फिर उसके बाद रवि को क्या करना पड़ा, भाग के इसको दूध को थोड़े से दूध को इस कोकोनट के शेल में डालना पड़ा और उसके बाद वापस उस टम्बलर को धो के रखना पड़ा किचन में, इससे पहले कि उसे शक हो जाता पाती के लिए. नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन. महेंद्रन किटन का नाम रखा है रवि ने. अब हमें कोई और तरीका सोचना होगा महेंद्रन को फीड कराने का, खाना खिलाने का. महेंद्रन दिस लिटिल किटीज़ नेम इज़ महेंद्रन. मृदु वॉज इम्प्रेस्ड. इट वॉज अ रियल नेम नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम. मृदु इम्प्रेस हो जाती है जब उसे पता लगता है कि इसका नाम महेंद्रन है इस किटी का, क्योंकि वो असली नाम था, कोई क्यूट किटी नेम नहीं था. एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई. उसने रवि ने तो और अच्छा नाम रखा है, उसका पूरा नाम है महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई, MP पुनई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक. ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट. इसे तुम शॉर्ट में MP पुनई बुला सकती हो. ये एक फाइन ब्रीड है कैट की, बहुत अच्छी ब्रीड है. जस्ट लुक एट हिज फर लाइक अ लायंस मेन. इसके फर को देखो, ये शेर के गले के बालों के जैसा नहीं लग रहा है जैसे शेर के गले में बाल होते हैं. एंड यू नो वॉट द एम्बलम ऑफ द एशियंट पल्लव किंग वॉज, डोंट यू? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु. उसके बाद रवि मृदु की ओर उम्मीद से देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है जो पुराने पल्लव राजा थे उनका एम्बलम क्या था, उनका निशान क्या था, चिन्ह क्या था? मृदु गिगल्ड. मृदु को लगता है कि वो उससे मजाक कर रहा है, तो वो बस गिगल करने लगती है, हंसने लगती है. Think I am joking? Well, just wait. I will show you sometime. It's clear you don't know a thing about history. रवि कहता है, तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, तो फिर तुम वेट करो, मैं तुम्हें शो करूँगा किसी दिन. तो मुझे लगता है तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता. Haven't been to Mahabalipuram, have you? He said mysteriously. वो रहस्यमयी ढंग से रवि मृदु से कहता है, तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई, तुम नहीं गई हो. वेल वैन आवर क्लास वैन टू महाबलीपुरम आई सॉ अ स्टैच्यू ऑफ दिस थट्टास 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 एक्सेट्रा. फैक्ट इज महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट. वो कहता है, वहाँ पर महाबलीपुरम में मैंने एक स्टैच्यू देखा था, एक मूर्ति देखी थी एक इसकी, इसी जो कि इसी बिल्ली की दादा के दादा के दादा के दादा के दादा की थी. महेंद्रन जो है वो उन्हीं उसी बिल्ली का वारिस है. अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन. वो कहता है कि बहुत क्लोज रिलेटिव है ये महेंद्रन शेर का. जो ये हमारी किटन है महेंद्रन जिसका नाम रखा है, वो बहुत क्लोज रिलेटिव है शेर की. द पल्लव लायन एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी. पल्लव वंश का जो एम्बलम था, जो चिन्ह था, उसके उसका ये वंशज है, डिसेंडेंट है. रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन हिज आईज स्पार्कलिंग. रवि ये कहानी सुनाते हुए चलता रहता है उस झाड़ी के साथ में,
और वो क्या कर रहा था, उसके हाथ में एक डंडी थी छोटी सी, उसको वो ऊपर नीचे खिला रहा था और उसकी आंखें चमक रही थी इस कहानी को बताने में। दिस कैट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। ये जो बिल्ली है ये महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट थी, यानी ये पल्लव वंश की जो बिल्ली थी, जो चिन्ह था उसकी, ये वंशज है, डिसेंडेंट है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट। और अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं, वो बिल्लियों की पूजा इजिप्ट में भी करते थे। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। मीना और मृदु एक दूसरे की ओर देखती हैं और सोचती हैं कि जो रवि है इसको अपनी खुद की आवाज़ सुनना कितना पसंद है। वॉट डज दैट हैव टू डू विद एनी थिंग, मृदु डिमांडेड। मृदु कह पूछती है कि इस सब का इससे क्या लिंक है, इस सब जो उस चीज़ का इस सब से क्या लिंक है। हाँ, आई एम टेलिंग यू, दिस कैट इज डिसेंडिंग फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, नो गॉडेस बेस्टेट या दैट्स इट। रवि रिप्लाई करता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये जो बिल्ली है ये वंशज है, उत्तराधिकारी है, इजिप्ट की जो कैट गॉड थी, जो गॉडेस थी, मतलब बेस्टेट नाम है उसकी। सो मृदु पूछती है तो, वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वॉज अ स्टोन अवे इन वन ऑफ द पल्लव स्टो अवे इन वन ऑफ द पल्लव शिप्स एंड हिज डिसेंडेंट वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट हुज डिसेंडेंट इज रवि फ्लरिश्ड हिज कैट एट महेंद्रन। रवि आगे अपने फ्लो में बताता जाता है, एक डिसेंडेंट जो थी कैट गॉडेस की, जिसका नाम था बेस्ट एट, वो पल्लव शिप्स में आ गई थी। और उस एक कैट गॉडेस का जो डिसेंडेंट जो पल्लव शिप में आ गया था, उसका एक डिसेंडेंट महाबलीपुरम की ऋषि कैट है, और ऋषि कैट है उसका डिसेंडेंट है एम पी पुनाई। हेयर होप पिक ही श्रीक्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ। वो बड़े गर्व से कहता है, खुशी से, कि उसका जो वंशज है वो हमारा खुद का महेंद्रम है, जिसका नाम एम पी पुनाई रखा है। उसका ये मानना है कि जो कैट गॉडेस है बेस्टेट, उसका उसका एक डिसेंडेंट छिप गया था पल्लव शिप्स में। पल्लव शिप्स का एक डिसेंडेंट महाबलीपुरम की ऋषि कैट है, और ऋषि कैट का जो डिसेंडेंट है वो हमारा महेंद्रन है, यानी एम पी पुनाई। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड। महेंद्रन ऊपर देखता है, वो बिल्ली का बच्चा ऊपर देखता है चौक के। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल। वो अपनी अपने पंजों को वो कर रहा था, पैना कर रहा था कोकोनट शेल से घिस के। बट वर्स देन रवीज ऑफुल हुप इक वॉज अ क्रीच फ्रॉम द विंडो। पर रवि का हुप पीक कहने से ज़्यादा अजीब आवाज़ विंडो से आती है, जिसमें क्रीच, एक वियर्ड साउंड आती है क्रीच की। वॉट अ वियर्ड साउंड, वॉट अ स्ट्रेंज साउंड। इफ मृदु वॉज स्टार्टर्ड, एम पी पुनाई वॉज फ्राइटन्ड आउट ऑफ हिज वेट्स। मृदु चौंक गई, और जो एम पी पुनाई जो बिल्ली का बच्चा था, वो अब बहुत ही ज़्यादा डर गया। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड ही बाउंस्ड अप एंड स्करी टूवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैज़ बीन सेट आउट टू ड्राई। वो बहुत डर गया, और किसने क्या किया, एक जंप लगा दी, उछल गया वो, और एक बैम्बू ट्रे में जिसमें कि रेड चिलीज सुखाई जा रही थी, उसके ऊपर वो कूद गया। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ। मियाओ ही हाउल्ड मिजरेबली। वो उस बैम्बू ट्रे के पीछे छुपना चाह रहा था, और कुछ जो चिलीज होती हैं उसके ऊपर गिर जाती हैं। वो मियाऊ करता है मिजरेबली, वो अजीब डर के। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, वॉट्स दैट नॉइज सैड मृदु। वो क्रीचिंग की आवाज़ चलती रहती है। मृदु कहती है, वो कैसी आवाज़ है। दैट्स लर्निंग, दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले द वॉयलिन, ग्रंटेड रवि। रवि गुस्से से कहता है, जो लल्ली है, जो उसकी सिस्टर है रवि की, वो वॉयलिन बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, द म्यूजिक मास्टर जस्ट कम्स ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन वाइल लल्ली इज ऑल द टाइम डी रेलिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक। जो म्यूजिक मास्टर है वो हर दिन आता है और उसे
एक ट्रेन से कंपेयर करता है म्यूज़िक मास्टर के लिए, जो कि पटरी पर चलती है लेकिन लल्ली हमेशा डिरेल रहती है, ऑफ ट्रैक रहती है और कभी म्यूज़िक को नहीं समझ पाती। तो बच्चों आज हमने पढ़ा ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स का। इसका सेकंड पार्ट आप लोगों को हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे। ये कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको होमवर्क में करना है। थैंक यू क्लास।